ग्वालियर जिले में कोविड 19 संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जिले के सभी पंचायत मुख्यालयों पर कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही जागरूकता रथ के माध्यम से ऑडियो और वीडियो संदेश से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने मीडिया को बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नो मास्क नो एंट्री के तहत सभी स्थानों पर स्टीकर लगाकर लोगों को बिना मास्क सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोकने के लिए जागरूक किया जा रहा है। एलईडी वैन चली जा रही है, ये कहाँ कहाँ जाएगी और क्या क्या एक्टिविटीज करती है? अब देखिए, कोरोना इस समय कोरोना के जो महामारी है वो फैल रही है, तो उसकी जागरूकता के लिए अनेक प्रकार के इवेंट्स करवाए जा रहे हैं। उसके तहत एक एलईडी वैन भी है जो हम लोग पूरे जिले के अंदर मूवमेंट करवा रहे हैं। वो वैन दिन के अंदर तो लाउडस्पीकर के मार्फत जो कोरोना संबंधित संदेश है वो देगी, और शाम को हर एक पंचायत समिति मुख्यालय के ऊपर उनका कार्यक्रम बनाया हुआ है, जहाँ पर जाके वो अपना वीडियो के थ्रू अपना जो मैसेज है वो देगा। कोशिश हमारी यही है कि ऑडियो के ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी एक जगह भीड़ करती हो। शाम को एलईडी वैन देखने के लिए हम कोशिश हमारी यही है कि जहाँ पर भी लगेगी वहाँ पर भीड़ ना इकट्ठी हो और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती रहे ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। मैं मानता हूँ कि इस समय जागरूकता का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, और जैसा हम देख रहे हैं कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसमें बहुत बड़ा संख्या इसलिए है क्योंकि जो सावधानी है वो हम धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि इससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। सर, आमजन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश केवल यही है कि अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना का एक सेकेंड पीक जो है अब हम उस दिशा में जा रहे हैं। जहाँ तक की बात है प्रशासन की तरफ से, हमारी पूरी कोशिश ये है कि कोई भी पॉजिटिव केस यदि आता है तो उसको उचित ट्रीटमेंट मिले और कम से कम समस्या के अंदर उनका ट्रीटमेंट ठीक होकर चले जाए। पर सभी लोगों को इसके अंदर अपना साथ देना पड़ेगा। जो हमारे तीन मूल मंत्र हैं, मास्क का पहनना, लगातार हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यदि हम इसको करते हैं और एक महीने तक लगातार करते हैं तो हम ही नहीं सभी एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं कि ये जो ट्रेंड है बढ़ने वाला ये ज़रूर ही रिवर्स होगा। और इसी के साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी जाने हैं जो व्यर्थ ही अभी गवाई जा रही है, उसको बचाने के लिए सकते। सर, जिला स्तर के अलावा नगर पालिका क्षेत्र में भी नगर पालिका अपने स्तर पर इस तरह की कोई व्यवस्था की जा रही है? अभी देखिए, कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिसके लिए हम प्लानिंग कर भी रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सभी नगर पालिका और नगर परिषद पालिका यहाँ पर जितने भी कचरा उठाने वाले जो वाहन हैं उनके ऊपर माइक के द्वारा कोरोना के संदेश दिखाए जाए। साथ ही साथ अभी हम ये भी कोशिश करेंगे कि मास्क की पालना हो उसके लिए पब्लिक के अंदर जागरूकता सप्ताह तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ एनफोर्समेंट के लिए पुलिस और प्रशासन साथ मिलकर जो लोग पालन नहीं कर रहे उनके पास भी उनको एक बार मोटिवेट किया जाए और फिर भी ना माने तो उनके ऊपर जो भी पेनल्टी लगानी है उसको पेनल्टी को करवाए। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन